बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम खजूर के लड्डू बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर हमने 2 कटोरी खजूर बीज निकालकर कट कर लिए हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम पिस्ता, खिसा हुआ खोपरा, घी और इलायची पाउडर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं खजूर। पहले हम एक पैन लेते हैं और उसमें ये घी डाल देते हैं। घी डालने के बाद हम उसमें ड्राई फ्रूट्स और खोपरा खीस डाल देते हैं और उसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे भून लेते हैं। हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें ये इलायची पाउडर डाल देते हैं, ये खजूर डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को कम कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें शक्कर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये जो खजूर हमने इसमें डाला है, इसी की मिठास ये लड्डू में आएगी। ये लड्डू सर्दियों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं। फिर 2 मिनट के बाद हम उसको लड्डू बना देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। अब हम ऐसे ही इसके सारे लड्डू बना लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने खजूर के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये लड्डुओं को सर्दियों में बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।